बस चुप हो जाओ, ये कौन सुनो। जय भीम के नारे तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई, जिनकी जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो तुम्हारा, बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक, तुम्हें आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते हो। सुनो मेरी बात पर गौर करो, अब मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों SC ST OBC माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान 1938 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मानसिक मनवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के सिर को के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनहरी हत्याएं की जा रही है, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित मैमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुर्जर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं, पढ़ू भाई, आप समर्थन भी करना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बड़े वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, देश में 85% लोग SC ST OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की सानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं, UPSJS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ, आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कॉम्पिटिशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माने जाएगा, 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में, आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है। पिछले वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिन्होंने जिनको आपने वोट से बनाया उनको ये दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, ये नहीं। फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए होनी चाहिए पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में
एससी एसटी एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल एससी एसटी एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहां आयोग बना देना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु गरीब अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा एससी एसटी समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपये मिलती है, 50,00,000 रुपए की जाए, पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ, सहमत हो या नहीं सहमत हो? आई बंश के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। एससी एसटी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्राविधान किया जाए तथा इन वर्गों का बैकलॉग कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला जाए। हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आप भले धीमे धीमे हमारे साथ खड़े हो रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को लागू करवा के देंगे, देश में याद रखियो। सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जितनी जनसंख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो? ठीक है। यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खिलाफ है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है, अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इसमें सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देने, आप इसका मतलब। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह है कि सेना में अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था लागू हो, क्योंकि आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ लोग अग्निवीर से वापस लौट रहे हैं, इसको भी हम ही करा देंगे और किसी को नहीं, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ है, अतः किसानों की एमएसपी की समय पर कानूनी लीगल गारंटी सुनिश्चित की जाए। और अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे वो मुकदमे वापस हो और जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आप दे रहे उसको बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। यह है कि संविदा नौकरी में आउटसोर्सिंग भर्ती को तत्काल खत्म किया जाए तथा संविदा में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों का समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। जो सफाई कर्मचारी ने संविदा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ठेके संविदा पर रखे गए हैं उनको संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन करते हुए नियमित किया जाए। आप इससे सहमत हो? आए पहले तो ठेकेदारी होनी नहीं चाहिए, मगर जो ठेकेदारी में है अगर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए मिल रहे तो उसको भी 50,000 रुपए मिले, इस बात पर सहमत हो? चलो ठीक है। और सफाई कर्मचारी दिल्ली के तैयार रहे, आपकी मांग हम अगले 1 महीने पूरी करवाने के लिए यहां की सरकार से आप चिंता न करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पूर्व सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त की जाए तथा शैक्षिक और लैंगिक स्थापना समानता स्थापित की जाए, उसके बाद यूजीसी पर आपसे बात करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी कानून लाओगे हम उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोगों, इस बात को याद रखना। और भाई आखिरी मांग ये है, माने दादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ देंगे, मैं मांग बता देता हूं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और सुरक्षा तो भाई समाज ही कर रहा है, सारे मांग लेने वाले तो हैं।
लेकिन बड़ी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि देश के जब सरकार के नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा है, सुरक्षा आपको भी, आपकी जो सरकार है आप पर कौन गोली चला रहा है, गोली तो हम दलित पिछड़े संघों की छाती से निकल जा रही है, इसलिए सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संत है और अगर वो न्याय की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, तो वो वहां से पैरवी करें। और केंद्र सरकार अगर सच्ची है, उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र गवर्नमेंट का, तो वो रिक्वायरमेंट को जो है जो यूपी गवर्नमेंट भेजे उसको फाइनलाइज करके ऑर्डर करे सीबीआई जांच के, हम बताएंगे कि इसमें सांप चूहे शामिल है या बड़े बड़े अजगर जो है शामिल है। आपको पता है पहलवानों के मामले में न्याय कैसे हुआ, आपने देखा, आपको याद है पहलवानों का समर्थन भी हमारे साथ है, और यहां मणिपुर की कुछ बेटियां भी बैठी है, वो मिलना चाहती है, मैं उनको भी सुनूंगा, और हमारी बहन प्रतिभा जी वो भी यहां आई हुई है जो पूर्व विधायक है नवलगढ़ से, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए, यहां ओम प्रकाश रहकर हमारे छोटे भाई की सिस्टर, ठीक है, तो वो भी मीडिया यहां आई हुई है, और बहुत सारे जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुए सब लोग आए हुए हैं। और एक अगर मध्य प्रदेश में हम लोग पहले तो लड़ाई लड़ ही रहे मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोग कहना चाहता हूं, भाई मेरी जान की रक्षा तो हो जाएगी, चलो सुरक्षा भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आम जमीन पे तो आप लोग भी लड़ रहे हो, पूरे भारत में, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, यूपी हो, उत्तराखंड हो, आपकी रक्षा कौन करेगा, आपको भी तो गोली चल सकती है। इसलिए हमें सुरक्षा की नहीं, अपनी सुरक्षा की नहीं, समाज की सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए सरकार सुरक्षित माहौल लागू करे, और अगर सरकार पे सुरक्षित माहौल लागू नहीं हो तो सरकार कुर्सी छोड़े, क्यों जबरन चिपक के बैठे हो भाई, आप मणिपुर को न्याय नहीं दे सकते, आप राजस्थान में न्याय नहीं दे सकते, आप बिहार बंगाल में न्याय नहीं दे सकते, आप दिल्ली में न्याय नहीं दे सकते, आप मध्य प्रदेश में और केंद्र से न्याय दे सकते, तो भाई हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से कि राजस्थान के लोग मेहनत करने पर आ जाओ, मध्य प्रदेश के लोग मेहनत करने पर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के, तो इसी बार जो है आपका सत्ता की चाबी आपके हाथ में मध्य प्रदेश राजस्थान में आ जाएगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि चुनाव जैसा होगा उसमें 5-7 वोट विधायक जिसके पास होंगे उसके पास चाबी होगी, और हम काम करने वाले लोगों को लड़ा रहे हैं तो हमारा विधायक जो है हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाए। इसलिए आपसे कहूंगा मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग ज्यादा काम करें, और आप यहां आए पुणे, देखो भाई, हाँ ईवीएम के खिलाफ ये कह रहे हैं, मैंने गाड़ी में वो संदेश दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हमें लोग करेंगे, हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनो जो बहुत जरूरी है, हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे, अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी फिर हम पीसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे, और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे, उसको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय होना बंद हो। आप अगर आपके यहाँ वो यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे निकलोगे बताओ, अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे, अभी सोचो पिछली बार हम चले गए इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को, निशान मेरा भी निकाल दी भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री के चले जाए इंटेलिजेंस के जरिए, अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का नहीं किया गया, किसी भी देश की तरक्की का प्रमाण और देश की महिलाएं हैं, और हम पक्का व्रत के भारतीय हैं, अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा
तो हम मूछ वाले घर में ही बैठेंगे इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है, आपने 21 मई को मुझे ताकत दी। और ये वो सत्य है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई, उठने में नहीं था, एक जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।